हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ तवे के ऊपर बिंदी को चिपका रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि तवे पर बिंदी को चिपकाने से क्या होगा, तो तवे पर बिंदी को चिपकाने से हमारी किस समस्या का समाधान होगा, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं कुछ और भी टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप अपने समय के साथ पैसे की भी बचत कर सकेंगे। तो और काफी सारे ऐसे भी टिप्स शेयर कर रही हूँ जो हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन सावधानी नहीं बरतते हैं, जिसके कारण हमें कुछ परेशानी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम प्लांट बेस्ड एलोवेरा यूज करते हैं। हम क्या करते हैं कि एलोवेरा को कट करके लाते हैं और उसका जेल निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, कितने बार हम देखते हैं कि एलोवेरा जेल इस्तेमाल करने के बाद हमारे फेस पर कुछ दाने आ जाते हैं। अगर आप बालों में लगा रहे हैं तो बालों में खुजली हो जाता है, तो वो ना हो उसके लिए हम क्या सावधानी बरतें। फ्रेंड्स, इस तरह से जो झाड़ू है, फूल झाड़ू, इसे हम डेली इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद अक्सर हम इसे धो देते हैं। लेकिन जब हम इसे धो नहीं पाते हैं, जैसे बरसात के दिन में धूप नहीं निकलता है तो धो नहीं पाते हैं, तो वैसे में झाड़ू में चींटी लग जाती है। तो चींटी से बचने के लिए हम क्या करें, ऐसे ही टिप्स देखने के लिए वीडियो पे अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप जो है वो इस तरह से एलोवेरा लीफ को लेकर है। फ्रेंड्स, जब भी हम एलोवेरा लीफ को कट करके लाते हैं तो उसे हमें क्या करना है कि एलोवेरा को इस तरह से किसी भी बाउल या प्लेट में तिरछा करके रख देना है। आप देखेंगे कि इसमें से एक येल्लो लिक्विड निकलता है। 10 मिनट के लिए एलोवेरा के लीफ को इस तरह से हमें रख देना है ताकि जितना भी इसमें से येल्लो लिक्विड हो वो निकल जाए। उसके बाद हमें एलोवेरा के लीफ को धो लेना है, क्योंकि ये जो येल्लो लिक्विड है वो थोड़ा टॉक्सिक होता है, इसे हम नहीं निकालते हैं, इसके कारण हमें कुछ एलर्जी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एलोवेरा के इस येल्लो लिक्विड को निकाल देंगे, उसके बाद हम एलोवेरा के लीफ को धो लेंगे। धोने के बाद हम क्या करेंगे कि किनारे के कांटे को हटा देंगे, उसके बाद हम एलोवेरा के पत्ते को इस तरह से कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर हमें ज्यादा अमाउंट में एलोवेरा जेल निकालना हो तो हम पत्ते को इस तरह से यहाँ से जेल निकाल कर इसे मिक्सी में कट करके ग्राइंड कर लेते हैं और एलोवेरा जेल को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें एक चम्मच या दो चम्मच ही एलोवेरा जेल चाहिए तो ऐसे में हमें मिक्सर से एलोवेरा जेल उतना अच्छा से नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एलोवेरा के लीफ को इस तरह से हम हाथ में पकड़ लेंगे और एक कंघी की हेल्प से इसे हम इस तरह से रगड़ेंगे। लगभग 1 से 2 इंच के लंबे लीफ से भी आप काफी अच्छे तरह से एलोवेरा जेल निकाल लेंगे और एलोवेरा जेल एकदम स्मूथ निकलेगा। इसे आप डायरेक्ट फेस पर या बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको कम अमाउंट में एलोवेरा जेल चाहिए तो इस मेथड से काफी आसानी के साथ आप एलोवेरा जेल निकाल सकते हैं। इसके लिए ना आपको ग्राइंडर चलाने की जरूरत है, ना ही आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में एलोवेरा जेल निकाल के वेस्ट करने की जरूरत है। आपको जितना एलोवेरा जेल चाहिए बस उतना ही पत्ते को कट करके इस तरह से एलोवेरा जेल निकाल लीजिए और उसे आप अपने फेस पर या बालों पर अप्लाई कर ले। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अगली टिप शेयर कर रही हूँ, वो वाइपर को लेकर है। वाइपर से हम अक्सर पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब वाइपर पुराना हो जाता है तो उसका जो होल्डर है पीछे, वो अक्सर इस्तेमाल करते करते निकल जाता है, और ये निकल जाने के बाद इसका ना ग्रिप अच्छा नहीं बनता है, तो हमें पानी को खींचने में काफी परेशानी होती है। तो इससे इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक पॉलीथीन का टुकड़ा लिया है, उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अगर पॉलीथीन आपकी पतली हो तो आप इसकी थोड़ी मोटी पार्ट को लें, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि वाइपर का जो होल्डर है, जहाँ से इसका होल्डर निकल चुका है, पाइप पे इस तरह से हम इसे रोल कर देंगे। रोल करने के बाद हम पूरी अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो रॉड पर का निकला हुआ होल्डर वाला पार्ट है उसे इसमें हम फिक्स करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे, और आप लगाने के बाद देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छी तरह से टाइट हो गया है। तो ये टाइट हो जाने के बाद क्या होगा कि आप आराम से वाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो हैंडल है वो निकलेगा नहीं, जैसे कि आपकी ग्रिप काफ़ी अच्छी बनेगी। और इस हैंडल को इस तरह से फिट कर लेने के बाद आप चाहें तो अपने वाइपर को जिस भी जगह होल्ड करके हैंग करके रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो फूल झाड़ी को लेकर है। फूल झाड़ू से हम अक्सर सुबह शाम झाड़ू लगाते हैं, और अक्सर कुछ खाने वाले पार्टिकल अगर इस पे लग जाता है तो हम इसे धो देते हैं, लेकिन बरसात के दिन में हम इसे धो नहीं पाते हैं, जिससे कि कभी कभार हम देखते हैं कि झाड़ू में चींटी लग जाती है। तो चींटी झाड़ू में ना लगे उसके लिए हम क्या करेंगे कि फूल झाड़ू के ऊपर इस तरह से हम मिर्च पाउडर लेकर इस तरह से छिड़क देंगे और झाड़ू को हल्का हल्का पटकते हुए इस तरह से रोल रोल करके घुमा देंगे, जिससे कि झाड़ू के अंदर तक मिर्च का पाउडर चला जाए। मिर्च का पाउडर की स्मेल जो है वो काफ़ी तीखी होती है, इसके स्मेल के कारण चींटी झाड़ू में नहीं लगेगी। और जब भी धूप निकलेगा आप अपने झाड़ू को धोकर अच्छी तरह से सुखा देते। इस तरह से बिना धोए झाड़ू को
आपको में आप चींटी लगने से इसे बचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स आपने अक्सर देखा होगा कि कुर्ती में या टी शर्ट में गले के पीछे वाले बैक वाले पार्ट में एक इस तरह का लूप बना रहता है और हमें समझ में ही नहीं आता है कि इस लूप का क्या इस्तेमाल है। अक्सर हम क्या करते हैं कि टी शर्ट या कुर्ती को निकालने के बाद हम शोल्डर वाले भाग से या बैक वाले भाग से इसे हम हैंग कर देते हैं कहीं भी होल्डर में, जिससे क्या होता है कि कपड़े में या तो वहां पर होल हो जाता है या कपड़ा उस तरफ खींच जाता है और निशान बन जाता है जो कि नेक्स्ट टाइम पहनने पे अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं आपको इस लूप के इस्तेमाल करके इसे हैंग करने का एक तरीका बताऊंगी, जैसे कि आप बड़े गले का भी टी शर्ट को अगर हैंगर में टांगेंगे तो वो एक और गिरेगा नहीं, ना ही उसका गला बड़ा होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है कि टी शर्ट के गले वाले पार्ट में हैंगर को इस तरह से डाल दिया है और हैंगर का जो हैंग करने वाला पार्ट है उसमें मैं इस लूप को इस तरह से फंसा दूंगी, जिससे क्या होगा कि टी शर्ट का ये सेंटर पॉइंट बन जाएगा और शोल्डर जो है इक्वल हिस्से में किनारे हो जाएगा, जिससे कि गला शोल्डर एक तरफ ढलगेगा नहीं और कपड़े का जो आपका स्क्रीच है वो खराब नहीं होगा। जैसे एक साइड लटक जाने से कपड़े में दाग हो जाता है, जिससे कि फिर नेक्स्ट टाइम पहनने में वो अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह से मैंने यहाँ कुर्ती में भी किया है कि कुर्ती के गले वाले भाग से मैंने यहाँ हैंगर को हैंग कर दिया है और लूप को बीच से हैंगर के हैंगिंग वाले पार्ट में लगा दिया, जिससे कि जब इसे हम हैंग करेंगे तो काफी अच्छी तरह से हैंग हो जाएगा और शोल्डर एक तरफ गिरेगा भी नहीं। फ्रेंड्स मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के शैम्पू या कंडीशनर के सैसों को लेकर है। अक्सर हम एक पाउच का पूरा, कभी कभार होता है कि हम पूरा शैम्पू यूज कर लेते हैं और कभी कभार क्या होता है कि यूज करने के बाद शैम्पू के पाउच में थोड़ा सा शैम्पू बच जाता है और उसे हम यूं ही रख देते हैं और पैकेट गिरने के कारण क्या होता है कि शैम्पू सारा बह जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो इससे हम किस तरह से सेफ रखें, तो इसके लिए मैंने यहाँ एक टिप शेयर किया है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि दो क्लॉथ क्लिप लिया है। क्लॉथ क्लिप से इसके कट वाले पार्ट को हम आधा दूरी तक इस तरह से दबा देंगे और बैक साइड में भी इसे हम इस तरह से लगा के होल्ड कर देंगे। इसे जहां भी रखिएगा ये गिरेगा नहीं और ना ही इसमें से शैम्पू बहेगा। दूसरा मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि अगर आप कॉर्नर से कट करते हैं और शैम्पू या कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम कॉर्नर वाले पार्ट को इस तरह से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इसमें क्लॉथ क्लिप लगा देंगे और इसे भी आप रख दीजिएगा तो इसमें जो भी शैम्पू या कंडीशनर है वो वेस्ट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। इस तरह से आप अपने यूज किए हुए या कटे हुए सैसे को के शैम्पू या कंडीशनर को सेफ रख सकते हैं। फ्रेंड्स मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के टूथपेस्ट को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि जब टूथपेस्ट खत्म होने लगता है तो टूथपेस्ट का पीछे वाला पार्ट काफी खाली हो जाता है और आगे वाला पार्ट में पेस्ट रहता है और इसे हम जब दबाते हैं तो पेस्ट टूथपेस्ट के पैकेट से बाहर निकलने के बजाय अंदर की ओर चला जाता है, जिससे काफी परेशानी होती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बेलन लेंगे और बेलन से हम टूथपेस्ट के पीछे वाले पार्ट को दो तीन बार दबाते हुए बेल लेंगे, जैसे कि सारा टूथपेस्ट जो है वह टूथपेस्ट के पाउच में के आगे की ओर आ जाए। उसके बाद हम पैकेट को इस तरह से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद पीछे से हम दो क्लॉथ क्लिप लगा देंगे और इससे क्या होगा कि टूथपेस्ट जो है आगे की ओर रहेगा, पीछे नहीं जाएगा और आप इसे खोल कर देखेंगे तो काफी आसानी से टूथपेस्ट सिर्फ आगे की ओर निकल रहा है। तो इस तरह से आप टूथपेस्ट के पैकेट से सारे टूथपेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कम होने के बाद टूथपेस्ट को इस तरह से कर लें और इससे आप टूथपेस्ट पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेंगे। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह से फेस वॉश को लेकर है। फ्रेंड्स अक्सर हम फेस वॉश यूज करते हैं और अगर हमें कहीं बाहर जाना हो तो हमें ये डर बना रहता है कि कहीं फेस वॉश जो है वो बैग में लीक ना कर जाए। तो आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ, जिससे कि किसी भी क्रीम या शैम्पू फेस वॉश के लीक करने की समस्या खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ चौड़ा वाला टेप लिया है। मैंने यहाँ क्या किया, लगभग 1 इंच के लगभग में टेप को कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि बॉटल को इस तरह से ओपन कर लेंगे और उसके माउथ वाले पार्ट पे से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ढक्कन को अच्छी तरह से लगा देंगे। ढक्कन लगा देने के बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि जो भी चीज हो, अगर शैम्पू हो, फेस वॉश हो या क्रीम हो, आप देखेंगे कि वो बाहर नहीं निकल रहा है। तो मैं इसे आपको बॉटल को उल्टा करके दिखलाती हूँ कि इसमें से एक ड्रॉप भी नहीं गिर रहा है। इसे अगर आप डबल सिक्योर करना चाह रहे हो कि बिल्कुल गिरने का चांस ना हो, तो उसके लिए भी एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, बॉटल का जो कैप है
उसके अकॉर्डिंग टेप को हम कट कर लेंगे कि कैप को चारों ओर से अच्छी तरह से कवर कर दे। तो मैंने यहाँ टेप को कट कर लिया है। कट करने के बाद इसके इसे हम क्या करेंगे कि बॉटल के नेक के ऊपर से ढक्कन के चारों ओर इसे हम इस तरह से चिपका लेंगे। अच्छी तरह से चिपकाने के बाद ढक्कन के ऊपर वाले पार्ट में हम दो तीन कट लगा लेंगे। कट लगा लेने के बाद टेप को हम ढक्कन के ऊपर कैप के ऊपर चिपका देंगे ताकि ये चिपक के पूरी तरह से सिक्योर हो जाए, ताकि शैम्पू फेस वॉश या कोई भी क्रीम हो वो लीक होने का कोई चांस नहीं रहे। तो इस तरह से आप अपने बॉटल को काफ़ी अच्छी तरह से पैक कर सकते हैं जिससे कि ये लीक नहीं करेगा। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो वाइपर को लेकर है। अक्सर क्या होता है ना कि वाइपर से ही हम पोछा लगा लेते हैं। काफ़ी लोगों को घुटने में प्रॉब्लम होता है जिसके कारण वो बैठ नहीं पाते हैं, और अगर आपके पास मोप नहीं हो, वाइपर हो, तो वाइपर की हेल्प से भी हम पोछा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ कपड़े पर दिखला रही हूँ कि इस तरह से हम कपड़े को वाइपर के ऊपर डाल देंगे। आप, मैं यहाँ सूखे कपड़े को दिखा रही हूँ, आप क्या कीजिए इसे गीला करके निचोड़ ले, उसके बाद हमें वाइपर के ऊपर इसे अच्छी तरह से लपेट लेना है। लपेटने के बाद हम क्या करेंगे कि वाइपर के दोनों साइड में एक एक या दो दो क्लिप लगा लेंगे, क्लॉथ क्लिप। ये क्लॉथ क्लिप जो है काफ़ी टाइट है इसलिए मैंने एक एक लगाया है। अगर आपका क्लॉथ क्लिप थोड़ा ढीला हो, लूज हो, तो आप दो दो क्लॉथ क्लिप लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि ये कपड़ा जो है सिक्योर हो जाएगा और आप आराम से जितना दूर चाहें उसे पोछा लगा सकते हैं। और जब लगेगा आपका कि कपड़ा थोड़ा गंदा हो गया तो कपड़े को निकाल कर इसे आप पानी से धो लें, धोने के बाद निचोड़ कर फिर से इसे अपने वाइपर पर लगाकर पोछा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो बिंदी को लेकर है। अक्सर हम स्टिकर बिंदी लगाते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि बिंदी को अगर हम निकालते हैं बिंदी के स्टिकर से तो क्या होता है कि वो आसानी से निकलता नहीं है, या मतलब उसका जो गोंद होता है वो इतना हार्ड होता है कि बिंदी निकालते समय वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिससे कि उसे निकालने के बाद लगाइए तो बिंदी का शेप सही नहीं रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी आप तवा पर रोटी बनाते हैं उसके बाद करें, या आपको जब भी बिंदी लगाना हो तो तवा को हल्का गर्म कर ले। गर्म करने के बाद हम क्या करेंगे कि बिंदी के पैकेट को इस तरह से हम तवे के ऊपर रख देंगे। या यहाँ मेरी बिंदी जो है उसमें चार स्टिकर में बिंदी है, तो इस पैकेट को हम इस तरह से खोल के उल्टा करके तवे पर डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि सारी बिंदी हिट लगने से उसके गोंद जो है वो थोड़े से लूज हो जाएंगे, जिससे हम काफी आसानी के साथ जो भी बिंदी निकालना हो उसे निकाल कर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर तवे के ऊपर बिंदी के स्टिकर को गर्म कर देते हैं तो हम देखते हैं कि बिंदी काफी आसानी से निकल जा रही है। तो आप काफी आसानी से छोटी से छोटी बिंदी को भी निकाल सकते हैं और ये मुड़ेगी भी नहीं और आप इसे लगा कर जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हों, मेरे टिप्स पसंद आते हों, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब